पीएम मोदी के पकोड़े वाले बयान को लेकर सियासत गर्म है। समाजवादी पार्टी के सांसद नीरज शेखर ने राज्यसभा में पीएम पर तंज कसते हुए कहा कि मोदी पिता होने की पीड़ा नहीं समझ सकेंगे, लेकिन भाजपा अध्यक्ष अमित शाह इस दर्द को समझ सकते हैं। उन्होंने कहा कि वो पीएम के इस बात से सहमत नहीं है कि पकोड़ा बेचना भी एक रोजगार होता है। उन्होंने कहा, काम छोटा या बड़ा नहीं होता, काम करने वाले सभी लोग समान होते हैं, उनकी अपनी गरिमा होती है। जब पकोड़े बेचने वाला शख्स अपना पेट काट काट कर अपने बेटे को पढ़ाता है तो वह चाहता है कि उसका बेटा डॉक्टर या इंजीनियर बने। वो ये नहीं चाहता कि पढ़ लिख कर उसका बेटा उसके बगल में खड़े होकर पकोड़े बेचे। उन्होंने कहा, मैं मानता हूँ कि प्रधानमंत्री पिता होने की पीड़ा नहीं समझ सकेंगे, लेकिन कम से कम अमित शाह इस दर्द को समझ सकते हैं। जब देश के प्रधानमंत्री ये कहें कि आप पकोड़े बेचे तो युवाओं के आत्मसम्मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। प्रधानमंत्री बन सकते हैं, चाय बेचने वाला का बेटा प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री चाहते हैं कि पकौड़ा वाला बेटा पकौड़ा बेचने वाला बने, वो प्रगति नहीं के चाहता। आप मैं जानता हूं प्रधानमंत्री नहीं समझ पाएंगे एक पिता की पीड़ा को, लेकिन आदरणीय अमित जी तो जान सकते हैं। मैं माफी चाहूंगा, अमित जी तो इस देश में एक ही है। अमित भाई शाह जी तो जान सकते हैं कि पीड़ा पिता की क्या होती है। शेखर ने कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में 13 करोड़ युवा मतदान करने के पात्र होंगे और वो बीजेपी को रोजगार के मुद्दे पर मुंह तोड़ जवाब देंगे।